पार्वती जी ने कहा कि हमारे भोले बाबा को भिखारी न समझो, हमारे भोले बाबा के हाथ में डमरू, तो डमरू को देख करके ऐसा मत समझ लेना कि वो मदारी है, वो अद्भुत डमरू है। ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्त कामा सनकादि सिद्धो नेतद विमर्श शिव सूत्र जाना, जिन्होंने 14 सूत्रों को निकाला। इसी डमरू से वेद के मंत्रों का प्रस्फुटन होता है। दुनिया में जितनी भी विद्याएं हैं उन समस्त विद्याओं के आचार्य भगवान शंकर जी हैं। यदि हम आपसे पूछें कि अगर विद्या का प्राप्त करनी हो तो किस देवी की देवता की उपासना करना चाहिए, तो मैं जानता हूं अधिकांश त्या लोग सरस्वती जी का नाम लेंगे। लेकिन श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में आप देखो, उसमें यह बताया गया है कि यदि किसी को विद्या की उपासना करनी हो, विद्या प्राप्त करनी हो, तो शंकर जी की उपासना करें। और इसलिए प्राचीन काल से परंपरा रही है कि विद्या अर्जन करने के लिए लोग कहां जाते थे, अपने बच्चों को कहां भेजते थे, काशी में बाबा विश्वनाथ की नगरी। भगवान विश्वनाथ जी महाराज समस्त विद्याओं की खान है। चाहे तांडव नृत्य सीख रहे हो तो भी पहले शंकर जी की पूजा करोगे, चाहे संगीत सीख रहे हो तो भी पहले शंकर जी की पूजा होगी, वेद पढ़ रहे हो तो भी पहले शंकर जी का अभिषेक शंकर जी का पूजन, कोई भी विद्या में आप प्रवेश करोगे हर एक विद्या में शंकर जी का पहले पूजन। समस्त विद्याओं के आचार्य हैं भगवान से। और वहां कह दिया उनमें कोई गुण ही नहीं है। और ऐसे पति कहो कवन सुख असवर पाए, क्या फायदा होगा तुम्हें। सती पार्वती जी कहती हैं कि हमारे भोले बाबा की जो डमरू है उसमें 14 सूत्र निकलते हैं, अद्भुत है भगवान विश्वनाथ जी। सप्त स्वर शिष्य गूंजते हैं। भगवान विश्वनाथ जी अगर बैल पर बैठते हैं तो उन्हें आप व्यापारी मत समझ लेना। बैल पर बैठने का तात्पर्य यह है कि वो बैल के ऊपर, बैल मानी धर्म है, और धर्म की पीठ पर, धर्म की पूंछ पकड़ करके जीवन में जो चलता है वो कभी पतित नहीं होता। इसलिए धर्म की पूंछ कभी मत छोड़ना। हमारे भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है तो इसका अर्थ तुम ये मत समझ लेना कि वो शिकारी हैं। साधकों के जीवन में जो दैहिक दैविक भौतिक संताप है तीनों प्रकार के, उनको नष्ट करने के लिए ही भगवान विश्वनाथ जी ने त्रिशूल धारण कर रखा। कभी कभी बाबा विश्वनाथ जी की बगल में जो झोली है उसे देख करके लोगों को लगता है ये तो भिखारी है, झोले डाले हुए का भिखारी नहीं है, उससे बड़ा दाता कोई नहीं है। भगवान शंकर जी के पास में जब विष्णु जी आए तो आओ दुष्टों का संहार करने के लिए मैं तुम्हें सुदर्शन चक्र देता हूं, शिव महापुराण में सुदर्शन चक्र उसी से निकाल करके दिया। रघुनंदन श्री राम जी आए कहा रावण का विनाश कैसे होगा, आओ तुम्हें हम धनुष बाण देते, पाशुपतास्त्र देते। और जब मुरली मनोहर कृष्ण जी आते हैं कहा तुम तो बड़े प्यारे लग रहे हो, तुम्हें धनुष बाण की जरूरत नहीं है, तुम्हें सुदर्शन चक्र की जरूरत नहीं है, तुम बस मुरली की तरह बजते रहो। हाथ डाला झोली में और बांसुरी निकाल के दे दी, कहा रखो इसको जरा सप्त सरोला पोष में, तो कन्हैया की बांसुरी बजने लगी। ब्रह्मा जी को वेद प्रदान किए, मनु जी को सप्त धान्य उन्हें प्रदान किए, अद्भुत है वो झोली, जहां से हाथ डालते हैं तो कुछ ना कुछ निकल आता है। ऐसे भगवान विष्णु जी। पार्वती जी ने दो बातें कही, कहा कोटि जन्म लगी रगर हमारी और बरों शंभु नत रहो कुमारी। यह इष्ट देव के प्रति निष्ठा। एक जन्म तो क्या महाराज, अगर मुझे शंकर जी को प्राप्त करने के लिए करोड़ों जन्म भी लगाने पड़े तो मैं करोड़ों जन्म ऊपर निछावर कर दूंगी, लेकिन विवाह करूंगी तो शंकर जी के साथ में करूंगी, दूसरे के साथ में नहीं करूंगी। महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम। आपकी दृष्टि में यदि महादेव जी सारे अवगुणों के भंडार हैं तो भी कोई बात नहीं, डजंट मैटर।